हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए क्रैक मूवी के मास इंटरवल सीन का रिएक्शन। और ये जो है लोगों ने रेकमेंड किया कि क्रैक मूवी आ चुकी थी, 5 फरवरी को एडिशनल प्रीमियर हो चुका था। एंड ये मूवी जो है, ये अगर जब से थिएटर में निकले तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट रही है। लोगों को ये बहुत ज्यादा था कि क्या होगा, कैसी रहेगी मूवी, बिकॉज ये भी वन ऑफ दोज मूवी थी जो आप कह सकते हो पूरे के पूरे जो कोरोना के बाद निकलने वालों से पहली मूवीज में से एक थी। और इसे निकला और इसने इतना अच्छा बिजनेस किया, और ये इतना अच्छा बिजनेस किया कि ये जो रवि तेजा की जो इतने टाइम की पुरानी मूवीज थी उन सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो लाइक जो कोरोना से पहले जो अच्छा टाइम भी था उस टाइम का भी रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने तोड़ दिया एंड बहुत कमाल का किया। यस, ये मूवी के डायरेक्टर है गोपीचंद मलिनेनी जी। एंड ये मूवी थिएटर्स में 9 जून को रिलीज हो गई थी, जबकि अभी ऑनलाइन तो ये कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। एंड इसका ट्रेलर हमने देखा था, एंड ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा था कि काफी यू नो सस्पेंस वाली मूवी, या फिर एंड काफी फाइटिंग भी दिखाई गई थी ट्रेलर में, तो बहुत फाइटिंग थी। एंड बीच बीच में थोड़ा बहुत श्रुति हसन के साथ जो इनकी केमिस्ट्री दिखाई गई थी, तो ट्रेलर तो काफी हैपनिंग था। आप देख लेते हैं ये सीन कैसा रहने वाला है। वही तो कमाल कर दी, फिर आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कटारी कृष्णा, ओ भाई ये भी तगड़े विलन है। मेला जोरदार है, काफी भीड़ वाली जगह है, यहाँ पे फाइट होगी। क्या बीजी है, कोई फेस्टिवल हो रहा है ना। కూతురిని చూడు, ప్రేమించినట్టు పైకి పోయినా ఏమీ ఎరగనట్టు ఎటనవుతుందో, అన్నీ నీ పోలికలే, ప్రాణాలకి అసలు విలువే ఎవరు। మై గాడ్, ఈ బాయ్ ఫ్రెండ్ కు మార్ దియా, ఓ తేరి వా, కొత్తగా వచ్చిన వంటౌన్ సిఐ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్। बहुत ओवर एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ है। यार नो सूसिर टुंसा में आ मोनी मदीना ओ पुलिस और ने पनिशमेंट एरिया के ट्रांसफर से इंच नाले सारंग का सूसा आड़न कुन्ना। अवना कृष्ण गारो, మొన్న అద్దంకి బస్ స్టాండ్ సెంటర్ లో ఓ వంకరోడు అమ్మాయిని నడిపిస్తుంటే ఒంగు పెట్టి ఉప్పు కారం పెట్టేశాను, ఆడేంట్రా ఇక్కడ తిరునాళ్ళలో కొత్త బట్టలు వేసుకుని కూర్చున్నాడా। సేమ్ టు సేమ్। ఏంది బందోబస్కి వచ్చినా, మిమ్మల్ని కలుద్దాం వచ్చాను। రే అమ్మా, సార్కి కుర్సీ వేయండిరా, మేడం బి తగడీ హే। ఏంది పని, మా కానిస్టేబుల్ కిరణ్ ని చంపేశారు, ఆ కేసు గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తుంటే 10 ఏళ్ల క్రితం కందుకూరు పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ లో అనుమానితుడిగా మీ పేరుంది, అది ఇలాంటి కేసే। 10 నిమిషాలు స్టేషన్కి వస్తే ఎంక్వైరీ చేసి మళ్ళీ దింపేస్తా, వెళ్దామా। 20 ఊళ్ళు, సంవత్సరానికి ఒక్కసారి జరిగే తిరణాళ్ళు నా ఒంటి చేత్తో జరగాలి, రావడం కుదరదు తర్వాత కనబడు। దేవుడు లేకపోతే జాతర ఆగిపోద్ది, పూజారి లేకపోతే పూజ ఆగిపోద్ది, ఈ డప్పులు లేకపోతే సౌండ్ ఆగిపోద్ది, మీరు లేకపోతే ఇక్కడే ఆగదు, కానీ ఓ 10 నిమిషాలు స్టేషన్ రండి సార్। స్టేషన్ అదే ఎట్లా ఉంటుంది, ఎప్పుడు చూడలేదే। ఓహో, మన స్టేషన్ ఎప్పుడన్నా చూసావా, ఎంత తుటైంది। సీదా మారేంగే క్యా, मास महाराजा। अरे रे 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 रे। ఎందుకు అట్టన అవుతున్నావు, చిన్నప్పుడు మా తెలుగు మాస్టర్ భూతపదం గుర్తొచ్చి ఎందు అది, ఒరేయ్ అప్పిగా సుప్పిగా ఎవడైతే నాకేంట్రా నా టొప్పిగా, ఈడ కూర్చిన కాడు నుంచి చూస్తున్నా నీ కళ్ళల్లో భయం కనబడలా, ఈ కటారి కృష్ణ పేరు మాత్రమే నీకు తెలుసు, ఆ పేరుకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలీదు। ओ, इनका ना ऐसा है, इन्हें कहीं पढ़ा था कि इनको बैकग्राउंड वर्ड से किक, मतलब वो किक क्या कहते हैं, गुस्सा आ जाता है।
तो इन्होंने पेल दिया। माय गॉड, सीधा थप्पड़। इनको बैकग्राउंड वर्ड नहीं पसंद। ओ खत्म, चलो। ओ वो पेरिस विल भी रुक गई। सबके सामने और उनके वो जो आदमी वो कुछ नहीं कर रहा। सिंगर कोंडा तिरुनाळुलो कटारे कृष्ण मीद सैयस्तावा कुत्तिका कोस्ता कटारे कृष्ण किंदा पैना मूसुकोनि वस्तुंटे उंचुकोनदनि नुवेंटे गुंडु गेस्ता। ओ भाई साहब, वो भी कम नहीं है। जबरदस्त किक थी, नहीं दूसरा था। घड़ियों के देख रहे हैं, उसके आजू बाजू सब मर रहे हैं। सबके सामने उसकी बेइज्जती। ओहो, तो गेट ओपन होता ना। कोई ऑब्जेक्ट ना उसकी तरह उनको इधर उधर कर रहे हैं। ये पूरा सेकंड हाफ में जो विलेन को ये याद रहेगा जो उसके साथ अभी करा जा रहा है। पूरा एटीट्यूड निकाल दिया उनका। हाँ इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? जोरदार बीजेपी भी तगड़ा है। गरम है आहा। धमकी दी थी ना। चलो ये जो कह रहे थे इन्होंने पुलिस स्टेशन कभी देखा ही नहीं है, फाइनली इन्होंने पुलिस स्टेशन देख लिया इस सीन में, क्योंकि क्या मार पड़ी है। मतलब जो इनका एटीट्यूड था ना स्टार्टिंग से सीन में, सारा मिट्टी में मिला दिया उनका एटीट्यूड, और लिटरली मिट्टी में ऐसे घसीट के उन्हें लेके गए, हथकड़ी बांध दी एंड इतना थप्पड़ मारा। मतलब मुझे नहीं पता देता, आपने बताया कि कुछ बैकग्राउंड वर्ड सुन के कुछ हो जाता है वही, वरना मतलब बैकग्राउंड को उन्होंने दो बार रिपीट किया ना, बजाया ऐसे बैकग्राउंड वर्ड वापस से चलाया, तो आई वाज लाइक आई डोंट नो कि क्यों बजा रहे हैं या फिर वो वापस बोल रहे हैं कि क्या, बट वो सुनते ही उनके अंदर एक अलग सा गुस्सा आ गया। एंड फिर तो जो फाइट स्टार्ट हुई है, इतना मारा उन्होंने, पहले उन्हें थप्पड़ मार दिया, एंड वो लेडी में लेडी की भी बात करनी पड़ेगी, उनमें कितना वो था ना, एंगर था प्लस कॉन्फिडेंस था, पुलिस वाले के सामने वो इतना यू नो कॉन्फिडेंस और गुस्से में बोल रही थी, बट उन्हें भी उन्होंने मजा चखा दे, भले ऑफ कोर्स उन्हें उनके ऊपर हाथ उठाया बट बोल के उन्हें डरा दिया उन्होंने उन्हें, है ना। एंड ऑफ कोर्स उन्हें जो विलन को इतना मारा, तो वो देख के ही लेडी समझ गई होगी कि नहीं इनसे अभी पंगा नहीं लेना चाहिए। एंड एंड में तो हमने देख लिया वो पुलिस स्टेशन उन्हें घसीटते हुए ले गए, तो काफी मजेदार सीन था वही। और मेनली ये था किस तरीके से लाइक वो बैकग्राउंड वर्ड वाला ऐसा था कि मेरे को कमेंट्स में किसी ने बताया, मुझे एकदम से क्लिक किया कि उन्होंने बताया था कि इनको ये क्रैक मूवी में ऐसा है कि उनको बैकग्राउंड वर्ड से उनको एकदम से किक मिलती है, आप कह सकते हो, या तो फिर एकदम से गुस्सा आ जाता, तो वही हुआ। और यहाँ पे क्या भड़के हैं, मतलब नॉर्मली सुन रहे थे, हंस के बात कर रहे थे उनसे, बैकग्राउंड वर्ड सुनते ही झापड़ मारा। एंड लाइक पूरा जो फाइट हुआ राम लक्ष्मण शीला जी ने मेरे ख्याल से इसको पूरा किया, तो पूरा स्लो मोशन में हुआ था पूरा का पूरा, जिस तरीके से किया जाए लाइक वो जो बंदे गिर रहे हैं तो वो गेट की तरह खोल के जा रहे हैं, फिर एक को झापड़ पड़ा तो वो आराम से जा रहा है, पूरा हर एक चीज स्लो मोशन में दिखाई गई थी। एंड उसके साथ पूरा इफेक्ट चला था, आप लोगों ने देखा होगा, हम ज्यादा बात नहीं कर पा रहे क्योंकि पूरा एक वो इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस था ना, हम अंदर ही पूरा एंजॉय कर रहे किस तरीके से
लड़ाई हो रही है, कैसे मारा जा रहा है। एंड मेरे को लगता है ये जो अभी सेकेंड हाफ होगा ना वो और देखना बहुत मज़ेदार होगा कि किस तरीके से अभी यहाँ पे जो जो विलन था उसको कहीं ना कहीं अभी थप्पड़ याद रहेगा और ये पूरा है आगे याद रहेगा, अब वो पूरा रिवेंज लेगा तो ख्याल से क्लाइमेक्स जो होगा वो और तगड़ा होगा। देखते हैं फिर आगे कैसा होगा। तो आप लोगों को सीन कैसे लगा कमेंट जरूर बताएगा, और इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।